हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ अमरूद की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही सिंपल है और अभी सीज़न है और मार्केट के अंदर अमरूद अवेलेबल है, तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 4 अमरूद लिए हैं और अमरूद को पानी से धो दिया है और अब उसको 1x4 में काट देंगे। आप 1x6 में भी काट सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे उस हिसाब से, और आगे और पीछे वाला पार्ट्स आप काटने से पहले भी काट सकते हैं और बाद में भी उसको काट सकते हैं। तो इस तरह से काटना है और आप नाइफ से भी उसके बीज निकाल सकते हैं और स्पून से भी निकाल सकते हैं। बीज को निकाल कर सेपरेट कर देंगे। अमरूद अभी सीजनल फ्रूट है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जब आप अमरूद खरीदो तब बिल्कुल राइप नहीं लेना है, थोड़ा सा सेमी राइप लेना है ताकि जब हम चटनी बनाएं तो उसका अच्छा अरोमा आए। सारे बीज निकाल दिए हैं, अब अमरूद को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे ताकि जब हम ग्राइंड में पीसें तब पीसने में आसानी हो, और आगे और पीछे वाले पार्ट्स को हटा देंगे। सारे अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और आगे और पीछे वाले छिलकों को इस तरह से हटा देना है। अब ग्राइंडर जार में अमरूद ऐड करेंगे। आप कोई भी चीज़ जब आप ग्राइंड करते हो, जो हैवी चीज़ है उसको सबसे पहले डालना है ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो इसमें अमरूद हैवी है तो सबसे पहले अमरूद ऐड करेंगे और उसके बाद 2 रफली कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा एक और ऐड कर सकते हैं, और 1 इंच रफली कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और 1 नींबू का जूस निकाला हुआ ऐड करेंगे। आप लेमन जूस की जगह अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में जो अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। अब 1/4 टीस्पून क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करते हैं। आप क्रश की जगह होल 3 से 4 ब्लैक पेपर भी ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून रॉक सॉल्ट यानी काला नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें बंच ऑफ हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करें, ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। अमरूद की चटनी को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अमरूद की चटनी बनाई है। अगर आपको और चटपटी चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा और ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा रोस्टेड किया हुआ कुमिन पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा मिंट लीव्स ऐड करते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार है और अभी दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल लिंक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब अमरूद की चटनी बनकर तैयार है और बाउल के अंदर अरेंज कर देंगे। आप अमरूद की चटनी ग्रेटर से ग्रेट करके भी बना सकते हैं और ग्राइंडर से ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, जो आपको ऑप्शन अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कॉमेंट्स बॉक्स।